मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनते ही नवीनबई शिवसेना में भगदड़ मच गई है। हालत यह है कि नवीनबई के 32 नगर सेवक अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम के समर्थन में आ गए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास जाकर सभी नगर सेवकों ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और अपना समर्थन जाहिर किया। उपनेता विजय नाहटा और विजय चौगुले के नेतृत्व में पहुंचे नगर सेवकों में किशोर पाटकर, शिवराम पाटिल, राम आशीष यादव, बहादुर सिंह बिष्ट, जगदीश गौते और तुर्भे के कद्दावर नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी प्रमुख रहे। देखिए रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही नवीनबई शिवसेना में भयंकर भगदड़ मच गई है। बीती शाम उपनेता विजय नाहटा और विजय चौगुले के नेतृत्व में 32 नगर सेवकों और कई बड़े पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें खुला समर्थन दिया, जो इसका बड़ा सबूत है। इनमें वाशी के किशोर पाटकर, कुपरखेरने के शिवराम पाटिल, दीघा के राम आशीष यादव, बहादुर सिंह बिष्ट, ममित चौगुले, जगदीश गौते और तुर्भे के कद्दावर नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी प्रमुख रहे। मुख्यमंत्री ने सभी नगर सेवकों और नेताओं से संवाद साधा और उन्हें संरक्षण और विकास के लिए हर संभव मदद एवं निधि देने का भरोसा भी दिलाया। सीएम ने वादा किया कि किसी भी नगर सेवक को चुनाव में हारने नहीं देंगे। मी सर्व नगर सेवकांना मनापासून मगाशी धन्यवाद दिलेले आहेत। याचबरोबर नगर सेवक आणि पदाधिकारी म्हणजे नाटा साहेब तर उपनेते होते, त्यांच्याकडे पर्यावरण माळा पदं होती ती देखील सोडली त्यांनी। विजय चौगुले इकडे आहेत, सर्व नगरसेवक आहेत आणि हे सर्व नगरसेवक आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या पदाधिकारी, हे सर्व लोक आज माझ्या भूमिकेवर त्यांनी विश्वास दाखवलेला आहे आणि आज मी त्यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो की आज मी बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाची भूमिका, आनंदीगे साहेबांचे विचार घेऊन मी पुढे चाललो आहे। त्यामुळे या राज्यामध्ये सर्वसामान्य लोकाला काय पाहिजे, सर्वसामान्याचं सरकार हे सर्वांचं सरकार अशा प्रकारच्या भूमिकेतून विकासाचं सरकार हे आम्ही पुढे जातो आहे। आणि नवी मुंबई आज ज्या पद्धतीने नव्या मुंबईमध्ये हा जो काही गड बालेकिल्ला आज आपण बालेकिल्ला पाहतो आहे, या सर्व लोकांनी जो विश्वास दाखवला आहे त्याला मनापासून धन्यवाद देतो या ठिकाणी। आणि एकच सांगतो, जे सर्व पदाधिकारी, जे नगरसेवक यांनी जो विश्वास दाखवलेला आहे त्या विश्वासाला माझ्याकडून कधी तडा जाणार नाही आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये, त्यांच्या वॉर्डामध्ये जे जे काही शासनाच्या माध्यमातून त्यांना देण्याचं, विकासासाठी जे जे काही देता येईल, त्या शेवटी नव्या मुंबईचा सर्वांगीण विकास करणं हाच त्यांनी देखील ध्यास घेतला आहे, मी देखील ध्यास घेतलेला आहे। त्यामुळे मी पालकमंत्री होतो तेव्हाही अनेक निर्णय घेतले नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून। आज या राज्याचा मुख्यमंत्री बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने, दिघेसाहेबांच्या आशीर्वादाने मी झालेलो आहे आणि या सर्वांच्या सदिच्छांमुळे। त्यामुळे या राज्याचा विकास करत असताना या नव्या मुंबईतल्या लोकांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला आहे, त्यांना अपेक्षित असलेलं काम नव्या मुंबईच्या विकासाचं मी नक्की करेन। शिवसेना के इस भगदड़ से नवीनबई की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा और विजय चौगुले मानते हैं कि शिवसेना नगर सेवकों का भविष्य उद्धव ठाकरे के साथ नहीं बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शरण में सुरक्षित रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज भी शिवसेना और शिव सैनिकों के साथ हैं और उन्हें संरक्षण देने में जुटे हुए हैं। दोनों नेताओं ने दावा किया कि शिवसेना के बाकी नगर सेवक भी जल्द ही शिंदे गुट में आने वाले हैं और इसका असर नवीनबई महानगर पालिका चुनाव में देखने को मिलेगा। जब भी हमने बात की ये 10 दिन में तो उनका ये कहना है कि हम शिवसेना में हैं और आखिरी तक शिवसेना में रहेंगे और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व है साहब का उसको आगे लेके जाएंगे और जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता शिवसेना के उनको ताकत देने का काम करेगा। तो ये जो उनके विचार है वो हमको, हम लोग कन्विंस हो गए और हम लोग उनके साथ हैं। आपने देखा आज हजारों के तादाद में नवी मुंबई के लोग आए थे कि आने वाले एक दो हफ्ते में सभी नगर सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में होंगे। नगर सेवक तो थे, पदाधिकारी थे, अलग अलग जो हमारी यूनियंस है उसके पदाधिकारी थे और साहब ने करीबन नवी मुंबई के लिए एक घंटा एक सीएम होके, हम लोग समझ सकते कि सीएम की क्या हैसियत होती है, फिर भी सर ने हमको एक घंटा समय दिया
और उनका जो काम का तरीका है, मुझे मेरा भी जो तजुर्बा है 33 साल का सर्विस का, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र का विकास बहुत तेजी से होगा। पालकमंत्री असताना ज्या ज्या गोष्टी अगोदर झालेल्या नव्हत्या एवढ्या भूतकाळामध्ये, तेवढ्या गोष्टी माननीय पालकमंत्री असताना शिंदे साहेबांनी त्या ठिकाणी केलेल्या आहेत। आता तर ते मुख्यमंत्री आहेत, अजून त्याच्या चारपटीने चालना देऊन ते विकास करतो। शिंदे साहेबांच्या बरोबर आधी जेव्हापासून सरकार आले आमचे पालकमंत्री होते, तेव्हापासून आम्ही शिवसेनेच्या पाठीशी आणि शिंदे साहेबांच्या पाठीशी ते अर्जच दिलेला असं नाही। जाहिर है कल तक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहने वाले शिवसेना नगर सेवक शिंदे गुट में आ रहे हैं। दलील है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नईमबई में विकास को गति मिलेगी। तुर्वे स्टोर्स के दबंग नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी भी यही कहते हैं कि जब भी विकास में बाधा आई, एकनाथ शिंदे ने तत्काल उसके समाधान के लिए पहल की, और अब जब वे मुख्यमंत्री बन गए हैं तब उनके नेतृत्व का और भी बड़ा फायदा होने वाला है। 2-3 साल हो गए उनके माध्यम से हम लोग शिवसेना में आए थे। आज उनका काम करने का तरीका महाराष्ट्र में क्या, हमारा सभी जगह पे और बहुत अच्छे तरीके से काम करते, और उन्होंने कभी जिसका फ़ोन आया किसका फ़ोन नहीं उठाया ऐसा कोई नहीं। अगर एक अंदर सामान्य कार्यकर्ता भी अगर फ़ोन करेगा तो उनका वो फ़ोन लेते, इसमें बहुत अच्छा लगता काम करने के लिए। अगर कल कार्यकर्ता कोई फ़ोन नहीं उठेगा, कुछ प्रॉब्लम होएगा तो उनको फ़ोन नहीं उठेगा, कभी कभी उनको बुरा लगता उस बात का। इन्होंने ऐसा कभी किया नहीं, इन्होंने किसी के भी फ़ोन लेते और उधर दुख सुख में जिसकी भी कुछ काम होएगा वो हेल्प करते। हम लोग को भी आज लॉकडाउन में वो बहुत सारी हेल्प किया उन्होंने। उनका काम करने का तरीका मैं 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम करते। अब जो एक काम बोल देते वो काम उसको तुरंत फॉलोअप करते, ऐसा नहीं कि कल आ जाओ वो कल लेटर देंगे कल उसको बुलाएंगे, वैसा नहीं। वो तुरंत फ़ोन लगाते, वो कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, तुरंत उसका जगह पे उसका निर्णय ले लेते हैं। जब वो नगर विकास मंत्री थे तो उतने फास्ट काम करते थे, आज मुख्यमंत्री है, आज हम लोग को भी उसका बात का गर्व है। और उन्होंने इस बारे में तो अभी मुख्यमंत्री होने के बाद में और बहुत तो, मैं तो बोलता हूँ बहुत इतना स्पीड से वो काम करेंगे महाराष्ट्र में, और तो मैं तो बोलता हूँ उनके लिए बहुत ही हम लोग धन्यवाद देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।